हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं समीर आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है किसके लिए, तो आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के लिए, सेविका और सहायिका के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जा चुका है। अगर आप सेविका और सहायिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं आपको कि क्या है उसका क्वालिफिकेशन और कब से उसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेविका व सहायिका की होगी बहाली। हिंदुस्तान आज का पेपर है बेतिया संस्करण का। सेविका सहायिका बहाली के पांचवें चरण के दौरान जिले में 55 सेविका व 90 सहायिका पदों पर बहाली होगी। सेविका सहायिका पद पर बहाली को लेकर ICDS विभाग की ओर से तिथि निर्धारित कर दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि आपकी अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन लेने की डेडलाइन विभाग ने 29 जून को निर्धारित किया गया, यानी 29 जून को इसका लास्ट डेट होगा और लास्ट तारीख इसका 29 है फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा तो मैं फॉर्म पढ़ के बता नहीं सकता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, निर्देश के अनुसार रिक्ति की अपलोड में वार्ड और चयनित करने के बाद वहाँ रिक्ति आंगनबाड़ी कोड संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि एक ही वार्ड में अवस्थित दो रिक्त केंद्रों को अपलोड करने में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी यानी सुविधा न हो। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पांचवें चरण के जो आवेदन हो रहा है और यहाँ पे 29 जून इसका लास्ट डेट है। बहाली को लेकर तय किए विभाग की ओर से रूपरेखा कैसी बहाली होगी, कैसे पूरी प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, जिले में सेविका सहायिका पदों पर होने वाली बहाली को लेकर विभाग की ओर से आवेदन लेने से लेकर मेगा सूची प्रकाशन करने तक की रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। आवेदन करने की पूर्ण होने के बाद 6 जुलाई को औपबंधित मेगा सूची प्रकाशन किया जाएगा। यानी अगर आप आवेदन कर देते हैं 29 जून तक आवेदन कर दीजिएगा, उसके बाद आपको 6 जुलाई तक आपका जो मेगा सूची प्रकाशन कर दिया जाएगा। मेगा सूची को बाल विकास परियोजना व वीडियो कार्यालय के सूचना पट पर 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित किया जाएगा, यानी 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपत्ति 8 से 15 जुलाई तक ली जाएगी। आपकी जो आपत्ति आप दायर कर सकते हैं 8 से 15 जुलाई के बीच में। हालांकि बहाली को लेकर आयोजित होने वाली आम सभा की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, यानी जो आम सभा लगाया जाता है और वहां पे सिलेक्ट किया जाता है दो कैंडिडेटों में से एक को कि कौन आप किसको आप मतदान कर रहे हैं, उसी बेस पे आपका इस पूरी बहाली किया जाता है। इसमें डायरेक्ट मेरिट बेस बहाली किया जाता है। आवेदन के लिए सेविका के लिए मैट्रिक, सहायिका के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य है। सेविका बहाल, देखिए फ्रेंड्स, अनिवार्य सेविका बहाल के लिए ICDS विभाग ने सेविका पद के लिए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित किया है, जबकि सहायता पद के लिए 8वीं। यानी आपका अगर सेविका के लिए आवेदन करते हैं तो सेविका के लिए आपको मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए, और सहायिका के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं सहायिका का, तो सहायिका के लिए आपके 8वीं पास होना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आज का अपडेट। अगर इसी तरह का अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये रहा आज का छोटा सा अपडेट। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।